morning. उस इलाके में मुड़ी से जहाँ से आप कर्जों निकाल सकते हैं। आज़ादी से पहले गांधी जी के पॉलिसी को यूं कर इस अंदाज में किया कि जिनको आप ये कहते थे ये मजलूम है उनको आपने आतंकवादी का नाम दे दिया। तारीख ये लिखी जाएगी कि ये इस वक्त की सबसे बहादुर। आपको थोड़ा सा तफसील बताना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है यह हैरतअंगेज है। इसकी वजह यह है कि ये हमारा नसीबी से जो प्राइम मिनिस्टर है उसको तारीख का अंदाजा नहीं है और वो वाकिफ नहीं है इस पूरी तारीख से। आपने सन 46 का जिक्र किया, ये लड़ाई 100 साल पुरानी है। आपको याद होगा कि कैंटमन अम्पायर जो उस्मानी सल्तनत की उस वक्त ये कोशिश की गई यहूदियों की तरफ से कि हमें फिलिस्तीन के अंदर एक हिस्सा दे दो। ये पूरा इलाका फिलिस्तीन था, जो ये आज का फिलिस्तीन नहीं है बल्कि फिलिस्तीन में गोलान हाइट भी है और वो पूरा लेबनान पूरा खत्ता जो है ये फिलिस्तीन का है। तो उस वक्त जो सुल्तान अब्दुल हमीद से यहूदियों ने मांगा था कि हम आपको इसके अवज में जितना पैसा चाहे दे देंगे, उन्होंने ये हुक्म किया कि भाई मैं आपको जहाँ चाहे पूरी अम्पायर में आप रहे, आप बराबर सिटीजन होंगे, मुल्क के अंदर मुल्क नहीं इजाजत देंगे। और लेकिन इसके बाद 2000 जो पहली जंग अजीम हुई उसमें बर्तानिया ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया यहूदियों उसके साथ और ये कहा कि हम तुमको अगर हम जीत गए ये हुआ कि यहूदियों ने उनकी बड़ी मदद करी और ये हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 2022 में जब बर्तानिया शिकस्त हुई तो इनको बर्तानिया को कस्टोडियन बनाया गया और ये कहा गया कि आप इसको रखें ऐसे स्कूल बनाते हो कितने होगा। लेकिन 46 में उन्होंने ये हथियार अपना पूरा यहूदी अब इसमें साजिशें बहुत अरब लोगों की भी थी। लेकिन बदनसीबी यह है कि ये पूरे का पूरा खत्ता जो है ये पूरे वर्ल्ड की कॉन्स्पिरेसी थी। इसके बाद 1967 में जब क्योंकि उधर मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर ने कोशिश की कुछ लड़ाई करें लेकिन उन्होंने इसको अरब लड़ाई तक के लिए के नाम से लड़ाई लड़ी, उसमें शिकस्त हो गई 67 में और ये पूरा इलाका छिन गया इनके हाथ से। लेकिन एक कुछ दिनों के बाद 80s में यासिर अनवर सादात वहाँ सदर बने। इससे पहले यह था कि इसराइल की अलग स्टेट बनने के लिए अंदर साहब गोल्डा मेयर जो बाद में वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी वो अमेरिका गई थी यहूदियों से मिलने के हमें पैसे दो हम असलहा खरीदेंगे और वहाँ उनको पैसे रकम नहीं दी गई। अमेरिका के यहूदियों ने कहा कि नहीं भाई हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते कि आप एक अलग ले जाए। बहरकैफ जब गोल्डा मेयर प्राइम मिनिस्टर बनी तो अनवरुल सादात यरूशलम पहुंच गए वहाँ तेल अवीव पहुंच गए और कहा भाई आओ नेगोशिएट कर लें। उस वक्त
जो कार्टर थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वही चक्कर में पड़ गए कि भाई ये तो निगोशिएशन कर रहे हैं, ये जंग तो करना नहीं चाहते हैं, और फिलिस्तीनी सब तैयार है। उस वक्त इन्होंने क्या हरकत की कि पहला मौका था कि वहाँ गोल्डा मेयर को दबना पड़ा और जिमी कार्टर को इलेक्शन हारना पड़ा। उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया। तो यहूदी लाबी इतनी मजबूत है अमेरिका में जो पूरी दुनिया पर काबिल है। वहां के बाद वो हार गए, अनवर सादात का कत्ल हुआ, हुसैनी मुबारक उनके बगल में नायब सदर से बैठे हुए थे, उनके गोली नहीं लगी, छर्रा भी नहीं लगा, और वो 20-22 साल 25 साल तक अमेरिका की मदद करते रहे। और जिस तरह से ये फिलिस्तीनी लोग अपनी ही जमीन पे अलग होते चले गए, जॉर्डन के दादा जो किंग हुसैन है उनके दादा, उन्हीं की भी ये कॉन्स्पिरेसी थी, तो वो भी उनके साथ नहीं रहे। लेकिन हकीकत ये है कि आप चौथी नस्ल है जिसकी जमीन छीन ली गई, और उस जमीन को छीनने के बाद मस्जिद अक्सा में जो हरकतें होना शुरू हुई, और अब फिलिस्तीन ने मस्जिद अक्सा में करना शुरू कर दिया, और अरब वर्ल्ड का जो रवैया था उसने उन लोगों को मजबूर किया, जो वो कहते हैं कि एनफ इज एनफ, वो उनकी मजबूरी है, उन्हें मालूम है कि वो खुदकशी करने जा रहे हैं। लेकिन हम सलाम करते हैं उस जज्बे को और अफसोस करते हैं इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को और जो लोग उसकी हिमायत में सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। मुझे हैरत होती है उस मुल्क में, जिस मुल्क को सबसे पहले हिंदुस्तान ने रिकॉग्नाइज किया, जिस मुल्क में गांधी ने अपनी सनद लगाई, जिस मुल्क के लिए कांग्रेस ही नहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने एलानिया कहा कि ये मजलूम है, इनका हक छीना गया है, उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपने ही प्राइम मिनिस्टर ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ जाके, ये नहीं कि इसराइल की हिमायत कर रहा हो, वो फिलिस्तीनियों को और उनके हकूक को मानने वालों को आतंकवादी बता रहा है। ये मेंटल सिचुएशन इस मुल्क की है। लेकिन एक बात मुझे आप बताऊं कि अगर हिंदुस्तान ये समझ रहा है तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। कतर ने, कुवैत ने, यमन ने, हर जगह इस्लामिक वर्ल्ड में एक, और ईरान में तो जश्न हो रहा है, और ईरान वो मुल्क है जो पहले दिन से खुमैनी साहब के आने के बाद से ईरान की सोच जो थी वो फिलिस्तीनियों के साथ ऐसी जबरदस्त हुई कि आज उनकी पार्लियामेंट में पूरा जश्न मनाया गया। और लेकिन हिंदुस्तान को क्या मिलने वाला है मुझे नहीं मालूम है। इसके पीछे एक दो कॉन्स्पिरेसी और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। असल में चाइना ने जब मिडिल ईस्ट में अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करी है, जब से वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका को बड़ी फिक्र हो गई कि ये कैसे अंदर आ रहे हैं, उन्होंने अभी चंद साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया बेल्ट एंड रोड के नाम से, कि वो चाइना से एक रोड बनेगी जो पूरे मिडिल ईस्ट से होती हुई पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दिल्ली तक आएगी, और वो एक कॉरिडोर होगा जहां बिजनेस प्रमोट होगी। इसके ऊपर 60-70 मुल्कों ने वायदा किया, तो यूरोप को और अमेरिका को लगा कि इकोनॉमिकली, क्योंकि दुनिया में सियासत तो अब सिर्फ पैसे की होती है कि इकोनॉमी कौन बढ़ा रहा है, उसमें हिंदुस्तान शरीक नहीं हुआ। लेकिन मेरी खुशनसीबी थी कि मैं उस मीटिंग में वहां था, चाइना में और बीजिंग में, और वहां मैंने देखा कि 60-70 मुल्क ने इश्तराक किया था। अमेरिका को जब ये फिक्र हुई तो उन्होंने G20 का सहारा लेकर हिंदुस्तान को कहा कि आप होस्ट हैं, और हिंदुस्तान ने बहुत ऐसी गर्मजोशी से और ऐसे एहतमाम से ऐलान किया कि वहां से एक ही ऐलान हुआ कि हम एक कॉरिडोर अपना अलग बनाएंगे, और वो कॉरिडोर है वो सऊदी अरेबिया से होता हुआ, इसराइल से होता हुआ यूरोप से जुड़ेगा, ये उनका था। और उसी वजह से सऊदी अरब और अमेरिका में एक ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो गया कि भाई आप ये इसराइल के साथ मुआहदा कर लीजिए तो हम ये कॉरिडोर बना लें, और जिसके लिए हिंदुस्तान बहुत
पेश पेश था कि हमने वो चाइना का कॉरिडोर छोड़कर ये जो अमेरिका और यूरोप का कॉरिडोर है उसको अपनाएंगे, उससे बिजनेस बनाएंगे। हालांकि ये प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल है, वो बिल्कुल रोड बाय रोड था, लेकिन इसमें समंदर भी है, कुछ ये भी है। अब हवाई जहाज थे, ये तो अपने बलून के जरिए जा रहे हैं और अपने यानी कोई सहारा नहीं है, पैराग्लाइडिंग का सहारा लिया गया। ये कमाल की बात है, ये हैरत अंगेज बात है, पूरी दुनिया इसमें चौंक गई है। अब इस वाक्य के बाद ये कॉरिडोर जिसका बड़ा जश्न हमने G20 में यहाँ देखा था, उसका क्या होने वाला है? यानी सरहद को तोड़ने के लिए अगर देखा जाए, अब ये हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसे वक्त में वो दूसरी मजलूमों को आतंकवादी कहकर वो कितना अपना असल रसूख डालेंगे उस इलाके में मिडिल ईस्ट में जहाँ से आप कॉरिडोर निकाल रहे हैं। वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।